दोस्तों भीषण गर्मी पड़ रही है, परिणाम स्वरूप आप देख लीजिए शक्कर के दामों में अनाप शनाप उछाल हुआ है। 5% शक्कर के दाम पिछले 2 सप्ताहों में बढ़ गए हैं। अब श्रीमान शक्कर के दाम तो इसलिए बढ़े हैं क्योंकि उसकी डिमांड में इजाफा हुआ है। न केवल घरों में शरबतों में शिकंजी में शक्कर का इस्तेमाल होता है, बल्कि जो तो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे कि पेप्सी कोका कोला, वो भी बड़े पैमाने पर शक्कर की खपत करती रहती हैं। इसलिए शक्कर के दाम बढ़ना सिर्फ एक संकेत है और इस बारे में आपको पहले से पता था। मान्यवर गौर फरमाइएगा, आरबीआई का कहना है कि ये जो महंगाई बढ़ रही है गर्मियों के कारण, वो एक चिंता का सबब है। ना सिर्फ दोस्तों गर्मियों की हीट वेव बल्कि जियोपॉलिटिकल टेंशन भी महंगाई को बढ़ाने का कारण है। इसलिए आरबीआई को बड़ी चिंता हो रही है कि वो महंगाई को कैसे मैनेज करेंगे। वैसे आरबीआई ही क्यों, अमेरिका में फेडरल रिजर्व के भी पसीने छूट रहे हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब यह है कि तुरंत हाल फिलहाल ब्याज दरें कटेंगी इस बात की संभावना है कम, लेकिन श्रीमान ब्याज दरें इन सेंट्रल बैंक्स को काटनी ही पड़ेंगी। हमारे इस विश्वास का कारण हवा हवाई नहीं है। जिस रिपोर्ट में आरबीआई ने महंगाई का रोना रोया था, उसी रिपोर्ट में आरबीआई का कहना है कि यदि भारत में जो युवा लोग हैं उनकी शक्ति का यदि हमें सदुपयोग करना है, तो भारत को प्रतिवर्ष 8 से 10% की विकास दर हासिल करनी ही होगी। अभी तो मानवर जैसे तैसे करके हमारी विकास दर 7-8% के लगभग है। अगर हमें ये बढ़ानी है तो हुजूर आला ये संभव नहीं हो पाएगा अधिक ब्याज दरों के कारण। या तो आप अधिक ब्याज दरें मेंटेन कर लीजिए अथवा आप ग्रोथ रेट बढ़ा लीजिए। दोनों में से एक विकल्प आपको चुनना ही पड़ेगा। दोनों एक साथ तो श्रीमान नहीं होंगे। तो अभी भारत में 2-3 महीनों बाद अमेरिका में चुनाव रहेंगे। चुनाव के बाद फोकस महंगाई से शिफ्ट हो जाएगी ग्रोथ की तरफ। विकास दर को बढ़ाना लोकतांत्रिक देशों के लिए बेहद जरूरी है, इसलिए ब्याज दरें तो मान्यवर कटेंगी ही कटेंगी। इसलिए हम अपने सभी विद्यार्थियों से क्लाइंट लगातार निवेदन करते रहे हैं कि ग्रोथ रेट वापस लौट के आएगी, ब्याज दरें कटेंगी। इसलिए आप आईटी स्टॉक्स पर नजर रखें, खास तौर पर तेज गति से भागने वाले स्मॉल कैप आईटी स्टॉक्स हैं, उनमें भी अच्छी खासी गिरावट हाल के कुछ दिनों में हुई है। उदाहरण स्वरूप बिरला सॉफ्ट हो गया, जिसमें हमारा खुद का निवेश है, उसका शेयर भी 20-30% सर्वोच्च शिखर से टूटा हुआ है। तो आपके पोर्टफोलियो में अगर लार्ज कैप मिड कैप आईटी कंपनियां पहले से हैं, तो अब यदि आपकी इच्छा है कि एक या दो स्मॉल कैप आईटी स्टॉक्स भी आपके पास हों, तो आप जरूर देखिए बिरला सॉफ्ट जेंसारटेक जैसी स्मॉल कैप हाई क्वालिटी आईटी कंपनियों को। देर सवेर आईटी सेक्टर में डिमांड लौटना लाजमी है। सवाल सिर्फ इतना है कि ये कब होता है, 3 महीने बाद होगा या 6 महीने बाद होगा। अब दोस्तों आप में से कोई लोग कह सकते हैं कि मान्यवर जब ग्रोथ लौटेगी तब हम निवेश कर देंगे आईटी स्टॉक्स में। तो हमारा श्रीमान आपको जवाब यह है कि तब यदि आप निवेश करेंगे तो आपको फिर सस्ते दाम भी ना मिलेंगे। श्रीमान हजरात, जब अखबारों में खबरें छपेंगी ग्रोथ के लौटने की, ब्याज दरों के कटने की, उसके 1 महीने पहले ही आईटी स्टॉक्स अपने सर्वोच्च शिखर पर शान से खड़े हुए होंगे। इसलिए दोस्तों अखबार पढ़कर निवेश यदि आप करते हैं तो आप कटते रहेंगे दोनों तरफ, गिरावट में भी और उछाल में भी। इसलिए निवेश करने की कलाएं जल्दी से जल्दी सीख लीजिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उस पर क्लिक करके अपने पसंदीदा आत्मनिर्भर इन्वेस्टर फ्यूचर से प्रमोशन कोर्सेज अभी के अभी ज्वाइन कर लीजिएगा।